नमस्कार, स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञान। सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे कोरिया की। चिरबरी एसएससीएल में 72 श्रमिकों को बर्खास्त करने के मामले में श्यामली गेस्ट हाउस में एक बैठक हुई है। बैठक में बिलासपुर एसएससीएल अधिकारियों के साथ मनेन्द्रगढ़ विधायक विनय जायसवाल शामिल हुए। विधायक जीएम पर्सनल और जीएम लीगल के साथ बातचीत के बाद सभी मामले के निराकरण के लिए 3 महीने का समय तय किया गया। विधायक जायसवाल ने 7 अक्टूबर तक का समय देते हुए कहा कि काम नहीं हुआ तो 12 अक्टूबर से सीएमडी ऑफिस को अनिश्चितकालीन के लिए बंद करने की चेतावनी दी। इस दौरान पीड़ित श्रमिक और उनके परिवार के लोग भी मौजूद रहे। विधायक महोदय से अनुरोध हमने किया है कि सब हमको संचित समय दिया जाए। उनको बताया है कि प्रबंधन का ध्यान इस विषय है और जितना जल्दी होगा उस पर प्रयास करेंगे निर्णय। विधायक तो बैठक में पीड़ित श्रमिक और उनके परिजन भी मौजूद रहे। ये बैठक रखी गई। आपको बता दें एसईसीएल में 32 श्रमिकों को बर्खास्त करने के मामले में श्यामली गेस्ट हाउस में बैठक रखी गई और तमाम फैसले लिए गए हैं। एसईसीएल अधिकारियों और विधायक जायसवाल की ये बैठक हुई है। कोरिया की खबर आपको बता रहे हैं। मामले के निराकरण के लिए तय किया है 3 महीने का समय। निराकरण अगर नहीं होता है तो अनिश्चितकाल के लिए चेतावनी दे दी गई है बंद करने की। बैठक में पीड़ित श्रमिक और उनके परिजन भी मौजूद रहे। तो एसएससीएल अधिकारी और विधायक जायसवाल की बैठक हुई है और बैठक में निराकरण करने की बात भी कही गई है। कई फैसले लिए गए हैं। आपको बता दें मामले के निराकरण के लिए 3 महीने का समय तय किया गया है और निराकरण अगर नहीं होता है तो अनिश्चितकालीन बंद करने की चेतावनी दी गई है। बैठक में पीड़ित श्रमिक और उनके परिजन भी मौजूद रहे। एसएससीएल अधिकारी और विधायक जायसवाल की बैठक। आपको बता दें कई मामलों को लेकर यह बैठक की गई है। मामले के निराकरण के लिए तय किए हैं 3 महीने तय किए गए हैं और अगर 3 महीने में निराकरण नहीं निकलता है तो बंद करने की चेतावनी दी गई है। बैठक में आपको बता दें पीड़ित श्रमिक और उनके परिजन भी मौजूद रहे। एसएससीएल में 32 श्रमिकों को बर्खास्त किया गया था जिसके मामले में जिसे लेकर बैठक हुई है और बैठक में कई तरह के फैसले लिए गए हैं। कई लोग इस बैठक में मौजूद रहे और तय किया गया है कि अगर 3 महीनों तक निराकरण नहीं निकलता इस मामले का तो अनिश्चितकालीन बंद करने की चेतावनी दी गई है। और सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रकाश जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। 32 श्रमिकों को बर्खास्त करने के मामले में जो बैठक हुई है किस तरह के फैसले लिए गए हैं और जिस तरह से कहा गया है कि अगर निराकरण नहीं निकलता है तो 3 महीने में अनिश्चितकालीन बंद करने की चेतावनी दी गई है। जी मैडम, सबसे पहले ये स्पष्ट होना चाहिए कि निराकरण और ये धरना प्रदर्शन जो हो रहा है उसका निराकरण है क्या। एक्चुअल में जो पहली बार प्रदर्शन विधायक जी के नेतृत्व में हुए उसमें ये कहा गया कि इनकी बर्खास्तगी गलत थी, लेकिन आज जो स्टेटमेंट आ रहे हैं उसमें ये कहा गया है कि पीएफ और ग्रेजुएटी फंड जो इनका है वो उनको दिया जाएगा, उसके लिए प्रदर्शन किया जा रहा है। एक्चुअल में सवाल है कि एक्चुअल में मुद्दा क्या है, क्या वो बहाली चाहते हैं या फिर ग्रेजुएटी और पीएफ फंड चाहते हैं, क्योंकि ग्रेजुएटी और पीएफ फंड तो सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइन है और सेक्शन 14 पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972 उसके अंतर्गत तो किसी भी श्रमिक या कर्मचारी का अधिकार है जो कोल माइंस में भी लागू होता है। एक्चुअल में ये जो पॉलिटिक्स हो रही है या जो राजनीति हो रही है या जो विधायक द्वारा किया जा रहा है, जो मणिनगर विधायक द्वारा, एक्चुअल में वो तो ग्रेजुएटी फंड दिला रहे हैं
या फिर पीएफ दिला रहे हैं, वो तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं उसमें, वो तो उन लोग श्रमिकों का या कर्मचारियों का अधिकार है। एक्चुअल में मेन मुद्दा बहाली का है। जो मेरा कहना है कि कर्मचारी यूनियन जो है, जो 5 श्रमिक संगठन कार्यरत है कोल इंडिया में, उनका और प्रबंधन के बीच का है। इसमें भूतपूर्व विधायक क्या कुछ मांगे रहेंगी, क्या कुछ मांगे रहेंगी अगर नहीं मानी जाती है सारी चीजें, बहाली की आप बात कर रहे हैं? नहीं, मैं तो चाह रहा हूँ कि बहाली क्या स्टेप रहेगा। नहीं, मैं तो चाह रहा हूँ कि बहाली हो, और एक्चुअल में जो श्रमिक संगठन है उनको सामने आना चाहिए। वो एक्चुअल में इन पर प्रबंधन पर ज्यादा अच्छा दबाव बना सकते हैं बनिस्बत विधायक के, मेरा ये कहना है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और संवाददाता दिनेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, 32 श्रमिकों को बर्खास्त किया गया है, बैठक भी आज बुलाई गई है, पर बैठक से कहीं ना कहीं संतुष्टि नहीं मिली है। क्या कुछ चीजें ऊपर डिस्कस किया गया, क्या कुछ चीजें निकल करके सामने आई, पूरी जानकारी बताइए। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो श्रमिक है ये पिछले 35-40 साल से वहाँ पे नौकरी कर रहे थे, लेकिन इनकी जो सर्विस रिकॉर्ड है इनमें छोटी छोटी त्रुटियां थी, कुछ डॉक्यूमेंट में छोटी छोटी गलती थी, किसी के नाम में कुछ स्पेलिंग की गलती थी, लेकिन एसोसिएशन द्वारा ये जो एसोसिएशन प्रबंधन है ये 30-35 साल से क्या कर रहा था, इनका सत्यापित क्यों नहीं करवाया गया? अगर इनके नाम में त्रुटि है, कहीं ए की जगह बी हो जा रहा है, तो उसको एसोसिएशन प्रबंधन अभी तक ध्यान क्यों नहीं दे रहा था, है ना? और इसके बाद जितने भी इसके कर्मचारी, लगभग 80% मैं आपको बताना चाहूंगा ये उड़ीसा के हैं और अनपढ़ हैं, और अनपढ़ हैं, और प्रबंधन ने अभी 30-35 साल से कोई कार्रवाई नहीं की। इन्होंने कोर्ट में केस भी हालांकि लगा हुआ है, लेकिन बात यहाँ पर प्रबंधन की है कि अभी तक ये 30-35 साल से क्या कर रहे थे, जब इस बात की जानकारी पिछले साल ही जब एक्टिविस्ट को पड़ी, इन्होंने शिकायत की, और जब इन्होंने पूरा डॉक्यूमेंट निकाला उसमें मालूम चला कि इतने लोग इस तरह की नौकरी कर रहे हैं जिनके नाम में कुछ गलती है, अगर कोई राम कृष्ण है तो कोई कृष्ण राम हो जा रहा है, और वो 35 साल से नौकरी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पर एसोसिएशन प्रबंधन पर उंगली उठती है। जी वाकई, चलिए बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए।